आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की। आज काफी तकड़ी गिरावट आई है जी एंटरटेनमेंट के शेयर में। आखिर सुभाष चंद्रा जी कर क्या रहे हैं इस स्टॉक में? बाय करें, सेल करें या होल्ड रखें? आइए चलकर विश्लेषण करते हैं इस स्टॉक के बारे में। देखिए, इन्वेस्को का सागा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यहां पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो पहले सिंगल बेंच जज का डिसीजन लिया था उसको रद्द कर कहा है इन्वेस्को का ये खेल अभी पूरा नहीं हुआ है, यहां पर इनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको कहा है कि दे आर अलाउड टू अपील, और इसके लिए जो जी के सीईओ है पुनीत गोयनका, उन्होंने कहा है कि ये इज नॉट लीगल टू हैव दीज काइंड ऑफ ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये एक चैलेंज होगा जी के लिए अब थोड़ा टाइम, इसकी वजह से मार्केट यहां पर नीचे की थोड़ा नर्वस है। 3 हफ्ते का टाइम दिया है, नो चेंजेस टू बी डन, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा है हाई कोर्ट ने। यहां पर जो 3 डायरेक्टर रिमूव किए हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। जी के स्टॉक गिरा है काफी तकड़ी तरीके से, हाईकोर्ट ने केस अलाउ कर दिया है इन्वेस्को सागा की वजह से, और हमारे हिसाब से ये गिरावट जो होगी धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा आपके पास एडवांटेज रहेगा। देखिए, सोनी का मर्जर आगे चलकर काफी अच्छा रिजल्ट देगा आपको लॉन्ग टर्म की दृष्टि से। एज पर सुभाष चंद्रा, उन्होंने कहा है कि ये यहां पर रेगुलेटर अप्रूवल हो गया है और अब ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर बना के रखिएगा। FIA का फेवरेट स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा व्यू बन रहा है हमारे हिसाब से। आइए अगर आज का भाव देखें तो जी का भाव जैसे ही 11 बजे के आसपास खबर आई मार्केट में, तो देखिए यहां पर 255 से गिरकर सीधा 245, 10 रुपए एकदम गिरावट आ गई है स्टॉक में, 3.2% के हिसाब से गिरा हुआ है। अगर कुछ पैरामीटर देखें तो ये एक रेजिस्टेंस था 262 का, अभी थोड़े टाइम के लिए शायद रेजिस्टेंस रहेगा, 225 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो करंट मार्केट प्राइस है 225 में आप ट्रायंगल पैटर्न इंप्लीमेंट कर सकते हैं खरीदने के लिए। यहां पर 220 सुपर ट्रेंड के बेसिस पर खूब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। RSI और बुलिंजर बैंड के बेसिस पर अभी ये न्यूट्रल जोन है, तो इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। FII जब से इसको सेल कर रहे हैं तब से इसमें अभी थोड़ा सा चैलेंज बन रहा है। FII की सेलिंग पूरे साल से चली आ रही है, अब हो सकता है FII अगर वापस आएंगे तो जी को इसको फिर से लेंगे। हमारे हिसाब से बिजनेस इज बिजनेस, प्योर एक्टिविटी रहेगी, इन्वेस्को यहां पर अपना कंट्रोल चाहता है, तो ये अभी चैलेंज बनेगा। चाहे तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर स्टॉक के बाइंग लेवल जानने हैं या फिर निफ्टी के 60-day चैलेंज हमारे साथ ज्वाइन करना है तो मेल ड्रॉप कीजिए, हमारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लीज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्रेनिंग के लिए मेल